नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस का विशेष मेडिकल बुलेटिन। समाचार एक्सप्रेस एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें हर सप्ताह मेडिकल से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। सप्ताह में एक बार मेडिकल से जुड़ी समस्या पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे। आज भी हम चर्चा करेंगे रीढ़ की हड्डी के दर्द को लेकर। रीढ़ की हड्डी का दर्द आजकल एक आम समस्या बन चुका है। रीढ़ की हड्डी में दर्द आजकल युवाओं से लेकर बुजुर्गों के बीच एक आम समस्या है। यह बहुत ज्यादा देर तक बैठकर काम करने की वजह से भी हो सकता है। कमर दर्द के सबसे आम कारण है रीढ़ की मांसपेशियों में खिंचाव या मोच आना। इसके अलावा कुछ लोगों का यह दर्द जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो जाता है। इसकी वजह से बहुत देर तक पोस्चर में बैठे रहने से भी यह दर्द बढ़ जाता है। रीढ़ हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए रीढ़ की हड्डी के रोग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रीढ़ हमारे शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक रहता है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मणका भी कहते हैं। सभी मणका ऊपर से नीचे एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। यह डिस्क मणकों के लिए शोकर का काम करती है, जो अचानक चोट लगने पर इन मणकों की रक्षा करता है। पर कभी कभी से अचानक चोट लगने से या अन्य किसी भी कारण से ये मणका या डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं, या किसी भी कारण से मणका की हड्डी ज्यादा बढ़ जाती है या मणका टूट जाते हैं। इन सभी कारणों से रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का रोग होता है। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी में असहनीय पीड़ा होती है और फिर शरीर का हिलना डुलना मुश्किल भी हो जाता है। गर्दन से कमर तक में रीढ़ की हड्डी के किसी भी मणके में इस तरह की समस्या हो सकती है। पर किसी भी मणके में समस्या होने से पीठ या शरीर का हिलाना मुश्किल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी से होकर जाने वाली तंत्रिका या नस के प्रभावित होने से भी रीढ़ की हड्डी का रोग हो सकता है। जब रीढ़ की हड्डी में तनाव या मोच आती है, तो मांसपेशियों में सूजन की समस्या भी आम है। इस सूजन के कारण दर्द होता है और मांसपेशियों में ऐंठन भी हो जाती है। भले ही रीढ़ पर तनाव या मोच कम हो, लेकिन ऐसे में डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द गंभीर समस्या बन गया है, जिसमें सर्जरी की जरूरत हो सकती है। इस तरह की समस्याओं में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। कई बार यह दर्द इतना होता है कि यह दर्द हाथ या पैर या रिबकेज के चारों तरफ तक फैल सकता है। बुजुर्ग लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते रहते हैं। वृद्ध महिलाओं को अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द होता है। कभी कभी शरीर के अन्य हिस्से जैसे कंधे, कुल्हों में दर्द या बीमारी भी पीठ का दर्द का कारण बन सकती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या बुजुर्गों को अधिक होती है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आज रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश कुमार दुआ, जो अभी तक करीब 1500 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोई भी दर्द बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह भयंकर रूप ले सकता है। इसीलिए वक्त रहते ही दर्द का इलाज कराना चाहिए, यह कहना है डॉक्टर राकेश कुमार दुआ का। उनके अनुसार लगातार रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर सही से इलाज नहीं किया गया तो यह भयंकर रूप भी ले सकती है। इस रिपोर्ट में आप रीढ़ की हड्डी में दर्द का इलाज एवं लक्षण के साथ रीढ़ की हड्डी में दर्द की दवा, उपचार और निदान के बारे में जान सकते हैं। इस रोग के प्रारंभिक मामलों में दर्द और सूजन कम करने वाली दवाओं को गैर ऑपरेशन तकनीकों से इलाज किया जा सकता है। गंभीर दर्द का भी कार्टियोकोरोइड से इलाज किया जा सकता है, जो पीठ के निचले हिस्से में इंजेक्शन की जाती है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती और स्थिरता देने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। अगर इन गैर ऑपरेशन विधियों से लाभ नहीं होता, तो हम सर्जरी कराने का सुझाव दे सकते हैं।
ऐसे अनेक सर्जिकल तरीके हैं जिनका इस रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए रीढ़ की हड्डी के दर्द के बारे में जानते हैं प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश कुमार दुआ से। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको यहां जानकारी दे दूं कि समाचार एक्सप्रेस ने जिस तरह से एक मुहिम की शुरुआत की थी, यह बताया गया था कि हर सप्ताह आपको एक मेडिकल बुलेटिन चलाया जाएगा जिसमें हर सप्ताह हम आपको एक विशेषज्ञ डॉक्टर से रूबरू करवाएंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे किसी न किसी बीमारी को लेकर और उनसे उसके लक्षण, उनके सिम्टम, उसके उपचार, उसका ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राकेश कुमार दुआ। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि करनाल नहीं हरियाणा नहीं बल्कि यूपी पंजाब में के अलावा अन्य कई राज्यों में ये डॉक्टर अपनी सर्जरी को लेकर पूरी तरह से चर्चित हैं। आपको जानकर और भी हैरानी होगी, अब तक ये करीबन 1500 के आसपास सफल सर्जरी कर चुके हैं जिसमें प्रमुख तौर पर स्पाइन और ब्रेन, जो कि आमतौर पर मुख्य सामान्य बीमारी मानी जा रही है, इनकी सफल सर्जरी करके कई लोगों को जीवन दान दे चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, मैं इनसे बात करूँगा सबसे पहले स्पाइन के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। थैंक यू दोनों डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था सर, जो ये स्पाइन बोन होती है, इस आखिर होती क्या है? स्पाइन बोन, जिसको हम देसी भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारे दिमाग के नेक्स्ट जंक्शन से स्टार्ट होती है और पीछे कमर से होते हुए शरीर के पैरों और तक कूल्हे की हड्डी तक जाती है। अक्सर इसके तीन पार्ट होते हैं जिसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारी स्पाइन बोन होती है जो ब्रेन से लेकर कूल्हे की हड्डी तक जाती है। एक गर्दन का हिस्सा होता है जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, एक छाती का हिस्सा होता है जिसको हम डोर्सल स्पाइन कहते हैं, और एक कमर का हिस्सा होता है जिसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। अक्सर हमें सर्वाइकल में या लंबर पार्ट में डिस्क की प्रॉब्लम्स मिलती रहती हैं। जो डोर्सल पार्ट है उसमें अक्सर इन्फेक्शंस या ट्यूमर्स वगैरह की दिक्कतें होती हैं जो अक्सर देखने में आती हैं। स्पाइन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है, हमारी बॉडी का पूरा वेट ट्रांसमिशन इसी स्पाइन के थ्रू होता है। सर, ऐसी कौन सी बीमारी जो स्पाइन को अफेक्ट करती है? तो स्पाइन में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। सबसे कॉमन बीमारी जो आती है वो डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बढ़ भी रही हैं। यूजली ये डिस्क की प्रॉब्लम पहले देखा जाए तो 60-70 साल की उम्र के बाद हुआ करती थी, बट आजकल हमारी यंग जनरेशन में भी ये काफ़ी मिलने लग गई हैं। फिर उसका बेसिक कारण क्या हो सकता है? और प्रॉब्लम जो रहती हैं स्पाइन की, स्पाइन में ट्यूमर्स हो सकते हैं, रसोली जिनको कहते हैं, स्पाइन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो इंडिया में सबसे कॉमन टीबी का इन्फेक्शन है जो स्पाइन में हो जाता है, या एक्सीडेंट की वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना, ये चीज़ें कॉमन बीमारियाँ जो आती हैं स्पाइन की, ये सारी रहती हैं। डॉक्टर दुबा ने हमें जानकारी दी कि पहले ये डिस्क की प्रॉब्लम 60 से 70 वर्ष की आयु के लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बीमारी से ग्रस्त है, इसके पीछे इन्होंने कारण भी बताया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को ये स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है अल्टीमेटली? तो डिस्क की प्रॉब्लम्स में बेसिकली जो ट्रीटमेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो ये फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है। पुराने आजकल की टेक्निकल युग में दौड़ भाग में फिजिकल एक्टिविटी पर्सन की काफ़ी कम होती जा रही हैं, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, इनडोर गेम्स बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल्स, कंप्यूटर सीटिंग बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से ये बीमारियां हमारी यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा मिलने को मिल रही हैं। अक्सर 20-22 साल के एज के लोग वर्किंग कंप्यूटर जॉब्स पे होते हैं, सर्वाइकल पेन के साथ आते हैं आजकल। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें यही रहता है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा लॉन्ग सिटिंग्स को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज दें, अपने शरीर को पूरा टाइम दें थोड़ा सा, और उससे 90% ये प्रॉब्लम्स कवर हो जाती हैं। हार्डली 10% पेशेंट्स को तकलीफ ज़्यादा रहती है, उस केस में हमें सर्जरीज के लिए जाना पड़ता है, और सर्जरीज आजकल इसमें काफ़ी फाइन सर्जरीज की जाती हैं जो माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप द्वारा की जाती हैं, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो 90% सर्जरीज ये सक्सेसफुल भी हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सर्जरी की ज़रूरत हार्डली 10% पेशेंट्स को ही होती है। सर,
मैं बताया कि किस तरह से डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों में, यंग जनरेशन में, खासकर में जिनके पास, जिनके उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, जिनकी सिटिंग जॉब ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन 90% अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन 10% ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो सब क्या ये जो सर्जरी है, डिस्क की सर्जरी या स्पाइन की सर्जरी, क्या है सेफ है? सर्जरी अपने आप में 90% सेफ है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये सर्जरीज माइक्रोस्कोप्स या एंडोस्कोप के द्वारा हम करते हैं, जिसमें चीरा भी काफ़ी छोटा रहता है और जो नर्व्स हैं इतनी मैग्नीफाई करके दिखती हैं कि जो पुरानी एक मिथ बनी रहती है कि स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज उठ नहीं पाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ और ज़्यादा होती हैं, वो सब आज के युग में नहीं है। सर्जरी के यूजली विद इन 24 आवर्स पेशेंट अपने आप वॉकिंग इंडिपेंडेंटली हो जाता है और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ खुद कर सकता है। जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो सर्जरी हैं वो सक्सेसफुल सर्जरी हैं, चीरे के माध्यम से भी, एंडोस्कोपी के माध्यम से भी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन लोगों के मन में जो भ्रम है कि सर्जरी के बाद पेशेंट उठ नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, वो सारे के सारे मिथ्ये हैं। इन मिथ्यों को डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार से बताया किस तरह से दूर भी किया जा सकता है। सर्जरी के 24 घंटे के बाद ही पेशेंट चलने की स्थिति में हो जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि सर्जरी के बाद पेशेंट को किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जैसे हमारा स्पाइन जो है, हमारी पूरी बॉडी का वेट ट्रांसमिशन स्पाइन के थ्रू होता है, तो सर्जरी के बाद मेन प्रिकॉशन जो हमने रखनी होती हैं, स्पाइन में एज के साथ साथ डैमेज स्टार्ट होते होते हैं, जैसे कि डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, ये अपने आप में स्पाइन के डीजनरेशन हैं जो विद एज आते ही आते हैं। स्पाइन में एक बार कोई दिक्कत आ जाती है या कोई सर्जरी के थ्रू छेड़छाड़ थोड़ी सी होती है, तो ये एज रिलेटेड डैमेज जो है ये उन पेशेंट्स में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए पेशेंट को आफ्टर सर्जरी रेगुलर एक्सरसाइजेस, अपना पोस्टरल प्रिकॉशंस का, लॉन्ग सीटिंग्स को अवॉइड करें, सुबह शाम थोड़ा सा बैक की, नेक की एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें अपना, ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो जो एज के साथ चेंजेस आने हैं वो हमारी लाइफ में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे हमें, और वो बॉडी हमारी अपने आप एडजस्ट कर लेगी उनको और लाइफ कम्फर्टेबल रहेगी। बताया कि सर्जरी के बाद पेशेंट कुछ जिस तरह की प्रिकॉशंस डॉक्टर बताते हैं उनको, अगर उनके थ्रू उनके अनुसार चलेगा तो पेशेंट को उम्र के साथ साथ जो होने वाली तकलीफें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। सर्जरी बेहतर विकल्प भी है और सर्जरी के रिजल्ट भी बेहतर हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और थी कि किस तरह का लाइफ स्टाइल हमें अपनाना चाहिए इस बीमारी से बचने? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान दें, सुबह शाम एटलीस्ट मिनिमम आधा घंटा भी अगर हम निकाल सकें अपने शरीर के लिए तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारी स्पाइन का ध्यान रखने के लिए और हमारी एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए। तो सर आप तकरीबन कम से कम 1500 के आसपास सफल सर्जरी कर चुके हैं स्पाइन और ब्रेन से रिलेटेड। सर ब्रेन से रिलेटेड ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है कि जिसमें सर्जरी की आवश्यकता बढ़ जाती है? ब्रेन में सर्जरी जो मेनली बीमारियाँ हैं आजकल बढ़ती हुई, एक तो सर की चोट की वजह से ब्लीडिंग्स जो होती हैं बहुत मेजर पार्ट हो गया है आज हमारी यंग जनरेशन में, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा ब्रेन में भी ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं, ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन की खून की नसों में दिक्कतें होती हैं जिनको हम एन्यूरिज्म्स कहते हैं, उनकी सर्जरीज होती हैं, और ब्रेन में पानी वगैरह बढ़ जाता है उनके लिए सर्जरीज की जाती हैं। इस तरह की सारी सर्जरी हम करनाल में या दुआ हॉस्पिटल में कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सर क्या जो सर्जरी का जो खर्च है वो आम आदमी की पहुंच तक है कि उससे बाहर हो जाता है कभी कभी? काफ़ी हद तक मैनेजेबल है और मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसी मेजर दिक्कत महसूस हुई है। डेफिनेटली मेडिकल ट्रीट कॉस्ट थोड़ी सी आज की डेट में बढ़ती जा रही है, बट थोड़ा सा हम डॉक्टरों को भी पेशेंट्स के हिसाब से अपने आप को कंसिडर करना चाहिए, जहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। सर आपके द्वारा की गई सर्जरी के चर्चे करनाल ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में, सर इसका क्रेडिट आप सबसे पहले किसे देना चाहेंगे? सफल सर्जन होने के नाते, सफल न्यूरो सर्जन MCH होने के नाते, सबसे पहली चीज़ एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए सिंसियर और फेथफुल होना चाहिए, और मैं इसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बात की है। डॉक्टर राकेश दुआ जिन्होंने हमें विस्तार से स्पाइन और ब्रेन सर्जरीज के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। सर्जरी भी विकल्प है,
सर्जरी बेहतर विकल्प है, सर्जरी सफल भी हो रही है आजकल। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि डॉक्टर राकेश कुमार दुबे के द्वारा अब तक 1500 के आसपास सफल सर्जरी, जिसमें स्पाइन और ब्रेन की मुख्यतः सर्जरीज हैं, वो की जा चुकी हैं। मैं डॉक्टर साहब एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे, सर आप समाज को क्या अपील करना चाहेंगे? मेडिकल साइंस में आज की डेट में काफ़ी चीज़ें, विश्वास की काफ़ी कमी नज़र आ रही है डॉक्टरों में और मरीजों में। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मरीजों को भी डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी मरीजों को सिंसियरली और एक विश्वास के तौर पे उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये थे डॉक्टर राकेश कुमार दुबे हमारे साथ, जिन्होंने हमें यह बताया कि आजकल मरीजों में और डॉक्टरों के जो बीच का गैप है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स भी अगर एफर्ट्स करें और मरीज भी अगर एफर्ट्स करें तो इस गैप को कम करके बेहतर इलाज मरीज को मिल सकता है और डॉक्टर भी अपने द्वारा बेहतर इलाज मरीज को दे सकता है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। अब मेडिकल बुलेटिन में आप सभी से अगले सप्ताह मुलाकात होगी, बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस के विशेष मेडिकल बुलेटिन में। हम आपको ऐसे ही लगातार हर सप्ताह किसी एक समस्या पर जानकारी देंगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।